टाइटैनिक क्रूज और उससे जुड़ी ट्रेजेडी के बारे में हम सभी ने सुना होगा, जिसने हमें कुछ बुरी यादों के अलावा कुछ लर्निंग भी दी है टू अवॉइड सच इंसिडेंसेस इन फ्यूचर। इस व्लॉग में हम विजिट करेंगे टाइटैनिक म्यूजियम इन बेलफास्ट और जानने की कोशिश करेंगे टाइटैनिक से जुड़े कुछ मिथ्स और फैक्ट्स। Do not forget to like and share this video and do comment for any feedback or suggestions or queries. Channel ko subscribe aur Instagram, Facebook aur X mein mujhe follow karna na bhoolna. On your own. Last day of the trip aur hum log aaye hain sabse pehle Titanic Museum. Kya aapko pata hai ki Titanic ship jo hai Belfast mein bana tha? To yaar Titanic Museum dekhe bagair और टाइटैनिक की हिस्ट्री और बेलफास्ट की हिस्ट्री देखे बगैर सुने बगैर ये बेलफास्ट का ट्रिप पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और म्यूजियम घूमते हैं। तो म्यूजियम की टिकट है 2500 रुपये एडल्ट की और किड्स की है 1100 रुपये। टाइटैनिक म्यूजियम में अगर आपको कोई सवनर खरीदना है तो इनकी काफ़ी अच्छी सी गिफ्ट शॉप है। टूर को 9 इंटरैक्टिव गैलरीज में डिवाइड किया गया है। बूम टाउन बेलफास्ट, इट रिक्रिएट्स सीन फ्रॉम बेलफास्ट एट द टाइम ऑफ टाइटैनिक कंस्ट्रक्शन इन 1909। यहाँ पर जो पहला सेक्शन है, यहाँ पर आप ब्रिटिश एम्पायर का मैप देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हर साइड ऑफ द वर्ल्ड जो है एक टाइम पे ये ब्रिटिश लोग जो है दूर करते थे, इंक्लूडिंग आयरलैंड, इंडिया एंड वेरियस अदर कंट्री। The shipyard, a mini car ride up and around a replica of Titanic's rudder. The launch, how Titanic was launched on 31st of May 1911. टाइटैनिक की जो टिकट थी ना उस टाइम के हिसाब से 1 शिलिंग थी, जिसको आज की डेट में अगर हम करेंसी में कन्वर्ट करें तो 250 रुपये इंडियन करेंसी में, मतलब काफ़ी सस्ती थी यार। 250 रुपये में आप जो है टाइटैनिक को बोर्ड कर सकते थे और वो टाइटैनिक जो बेलफास्ट से होके अमेरिका जा रही थी। दी फिट आउट, दी फिटिंग आउट ऑफ टाइटैनिक फ्रॉम हर लॉन्च थ्रू टू अप्रैल 1912। दिस गैलरी प्रेजेंट्स ए लार्ज स्केल मॉडल ऑफ टाइटैनिक, हाउ द शिप अपीयर टू इट्स पैसेंजर एंड क्रू, डिपिक्टिंग ऑल 3 क्लासेस ऑफ कैबिन। द मेडन वॉयज, एज यू कैन सी कि टाइटैनिक शिप जो है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बेलफास्ट, वहाँ से वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन गया, फिर वहाँ से उसने एंटर किया फ्रांस और फिर वहाँ से दोबारा आयरलैंड में आया और वहाँ से उसने अटलांटिक ओशन की जर्नी स्टार्ट की और अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो वैसा इंसिडेंस हुआ जहाँ पर हज़ारों लोगों की जान गई। द सिंकिंग, द डिजास्टर ऑफ 14th and 15th April 1912। The aftermath, the legacy of the disaster. Myths and legends, the facts behind some of the stories about the Titanic. I know you say that you're sorry, and that might be true. No matter how bad you hurt me. Titanic Minute, about the wreck of the Titanic and its discovery. Don't know what I'm going for. Whoa, whoa, whoa. I keep running back to
सी गाइस, देन गुड न्यूज़ इज़ दे हैव ए नाइस कैफ़े हेयर, और हमने मंगाया है सी फूड चैडर, विक्टोरियस स्पंज केक और चिकन टैकोस फॉर अलीना एंड वन कोक. द टोटल कॉस्ट वाज 3000 रुपीज़. और सी फूड चैडर जो है वो ट्रेडिशनल आयरिश डिश है, जिसमें डिफरेंट तरह के सी फूड आइटम जैसे फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया, ये सब चीज़ें मिक्स करके ये बनाते हैं. टाइटैनिक म्यूजियम हो चुका है. ओवरऑल यार, आई एम नॉट अ रियली फॉन्ड ऑफ म्यूजियम एंड ऑल, बट ये टूर बहुत ही अच्छा था. थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, बट यार फुल ऑफ हिस्ट्री, और यू नीड एटलीस्ट 2 से 3 घंटे, और इनफैक्ट ज़्यादा भी स्पेंड कर सकते हो अगर आप पूरा कुछ जानना चाहते हो. और यार अगर आप थोड़े बहुत भी इमोशनल हो मेरी तरह, तो आपको हो सकता है बीच में रोना आ जाए. मुझे आ गया था, क्योंकि यार उसमें हर चीज़ ऐसे बताएगी ना कि शिप कैसे बना, लोग बोर्ड हुए, कितने बचाए गए, क्यों ये डिज़ास्टर हुआ, क्या मिस्टेक हुई, उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें लोगों की बचाएगी, कुछ एक मैसेजेस, लेटर्स लोगों ने अपने पेरेंट्स या घर वालों को लिखे थे, आफ्टर मेजर मिथ एंड हिस्ट्री, और बहुत सारी चीज़ें यार. मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट. सो अवर आर आई कैन से दैट वेन एवर यू आर विजिटिंग नॉर्दर्न आयरलैंड आर बेलफास्ट, प्लीज़ पेयर एटलीस्ट 3 to 4 hours टू विजिट दिस म्यूजियम टू नो द हिस्ट्री ऑफ बेलफास्ट एंड टाइटैनिक. I hope this video helps you to plan your trip to museum and in creating awareness about its facts and myths. इसी के साथ आपसे इजाजत लेता है आपका दोस्त देसी ट्रैवल ब्लॉगर. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोस.